सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मुहावरा क्या होता है और मुहावरा का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए पृष्ठ संख्या 172। पृष्ठ संख्या 172 में मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। आज मैं आप लोगों को मुहावरे के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा देखिए। जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ यानी प्रचलित अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। आइए एक उदाहरण द्वारा मैं समझा रही हूँ आपको। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, घी के दिए जलाना। ये क्या है? वाक्यांश है। क्यों वाक्यांश है? क्योंकि ये पूरा वाक्य नहीं है, ये वाक्य का अंश है, वाक्य का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, घी के दिए जलाना। ये सारे शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ यही होगा ना कि घी, दीपक में घी भरकर दिया जलाना। लेकिन इस वाक्यांश का अर्थ क्या है? खुशियां मनाना। ये लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर रहा है। तो जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है, तब वह वाक्यांश क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। यहाँ पर देखिए, घी के दिए जलाना, इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? खुशियाँ मनाना। अब यहाँ पर देखिए, ठन ठन गोपाल, इस वाक्यांश का लाक्षणिक अर्थ क्या है? जेब खाली होना। यहाँ देखिए, श्री गणेश करना, इस वाक्यांश का लाक्षणिक अर्थ है शुभारंभ करना, किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति फीता काट करके उद्घाटन कर रहा है ना। यहाँ देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, ये एक वाक्यांश है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जितने सारे शब्द लिखे हुए हैं इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या? जिस तरह से भैंस काला है तो अक्षर भी काला है, इसलिए काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन ये वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर रहा है। जो अनपढ़ होता है उसके लिए अक्षर क्या है? भैंस के बराबर है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना, पढ़ा लिखा नहीं होना। यहाँ देखिए, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, इसका लाक्षणिक अर्थ क्या हो गया? अपने आप को नुकसान पहुँचाना। यहाँ देखिए, छक्के छुड़ाना, लाक्षणिक अर्थ क्या है? बुरी तरह हराना। तो बच्चों, जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है तो क्या कहलाता है? मुहावरा। आइए कुछ वाक्यांश यहाँ भी देखते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उंगली को दांतों तले दबाना। लेकिन ये मुहावरा कब बनेगा? जब इसे लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है, जैसे आश्चर्यचकित होना, ये इसका हो गया लाक्षणिक अर्थ। ये हो गया, ये वाक्यांश हो गया मुहावरे, मुहावरा। आग लगना, शाब्दिक अर्थ क्या है? आग लगना है ना। यहाँ देखिए, लाक्षणिक अर्थ क्या है? क्रोध से जल उठना, इसलिए आग लगना वाक्यांश जो है वो कहलाता है मुहावरा। इसी तरह से यहाँ देखिए, मक्खियाँ मारना, शाब्दिक अर्थ है मक्खियों को मारना, लेकिन लाक्षणिक अर्थ क्या है? बेकार बैठना। घी के दिए जलाना, अब इसका लाक्षणिक अर्थ देखिए, खुशियाँ मनाना। अब यहाँ देखिए वाक्यांश, अंगूठा दिखाना, इसका लाक्षणिक अर्थ देखिए, साफ इनकार करना। बच्चों, ये सारे वाक्यांश जो दिए हुए हैं ये अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए ये सारे वाक्यांशों को क्या कहेंगे हम लोग? मुहावरे। ये बहुत सारे हैं ना मुहावरे। अब आइए देखते हैं पृष्ठ संख्या 173 में मुहावरों को उनके अर्थ के साथ वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, अंग अंग ढीला होना,
इसका अर्थ क्या है? बहुत थक जाना। अब देखिए वाक्य कैसे बनता है। सुबह से क्रिकेट के मैदान में भाग दौड़ करते हुए मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अब इस वाक्य में देखिए, मेरा अंग अंग ढीला हो गया है, यानी अंग अंग ढीला होना, ये जो मुहावरा है ये अपना मूल रूप में प्रकट रहता है। यानी जब भी किसी मुहावरे से हम लोग वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में मुहावरा का मूल रूप प्रकट होता है, मतलब मूल रूप में मुहावरा रहता है, अर्थ नहीं रहता है। यहाँ देखिए, अंग अंग मुस्काना, अर्थ क्या हो गया? खुश होना। अब इससे बने वाक्य देखिए, बेटे को युद्ध के मैदान में लौटा देखकर माँ का अंग अंग मुस्काने लगा। इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर अंग अंग मुस्काने लगा, तो अंग अंग मुस्काना मुहावरा है, ये अपना मूल रूप में है, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए, अंधे की लकड़ी, अर्थ क्या हो गया? एकमात्र सहारा। अब देखिए इस मुहावरा को वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है। श्रवण अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी था, तो इसमें अंधे की लकड़ी मुहावरा, ये जो मुहावरा है अपना मूल रूप में प्रकट है। यानी किसी भी वाक्य में मुहावरा जो है अपने मूल रूप में रहता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मुहावरे इस पृष्ठ में दिए हुए हैं। अब देखिए दूसरा, अंगूठा दिखाना, अर्थ क्या है? किसी काम के लिए साफ मना कर देना। इसे बने वाक्य देखिए, उसने मुझे पुस्तक देने का वादा किया था, मगर इन वक्त पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी वो वादा से मुकर गया। अब इस वाक्य में ये अंगूठा दिखाना मुहावरा जो है वो अपने मूल रूप में स्थित है, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर मुहावरा का अर्थ का प्रयोग नहीं किया गया है, मुहावरा अपने मूल रूप में स्थित है। तो मुहावरों का प्रयोग उनके मूल रूप में ही करना चाहिए, जब भी आप किसी भी मुहावरे का वाक्य बनाएंगे तब, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे, अपना ही राग अलापना, अर्थ क्या है? अपनी ही बातें कहते जाना। यहाँ देखिए, कुछ व्यक्ति अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरों की बात समझने की चेष्टा ही नहीं करते। पांच में देखिए, अक्ल का दुश्मन मूर्ख, राहुल की समझ में कुछ नहीं आता, लगता है वह तो अक्ल का दुश्मन है, यानी वो मूर्ख है। तो इसी तरह से बहुत सारे मुहावरे इस पृष्ठ में दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, इस पृष्ठ में जो भी मुहावरे दिए हुए हैं उनके अर्थ याद करना है आपको, और वाक्य भी याद कर सकते हैं, यही आपका गृह कार्य है। इस पृष्ठ संख्या को अच्छी तरह से पढ़ना और मुहावरों का अर्थ याद करना, ठीक है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।